संसद के सेंट्रल हॉल में आज एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। इस बीच नरेंद्र मोदी भी बैठक में शामिल हुए। वहीं पीएम मोदी के लिए और इस बैठक में पहुंचते ही वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को संसदीय दल का नेता चुन लिया। इसको लेकर मीटिंग में प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने पेश करते हुए कहा कि सौभाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी जैसा पीएम देश को मिलने जा रहा है। वहीं अमित शाह और नितिन गडकरी ने इसका अनुमोदन करते हुए कहा कि देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी ही करेंगे। वहीं टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। वहीं जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, जो भी पिछले 10 साल में रह गया वो नरेंद्र मोदी आगे पूरा करेंगे, हम इनके साथ रहेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष का नाम लिए बिना ही कहा कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जनता ने नरेंद्र मोदी को स्वीकार किया है। वहीं बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने संसदीय दल की बैठक में कहा कि नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इसके आगे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर नरेंद्र मोदी का नाम पूरे दिल से समर्थन करती हूं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने हम सब के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करता हूं। आई प्राउडली प्रपोज द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन बिहाफ तेलुगुदेशम पार्टी फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट नेशन। मैं यहाँ इस सदन में मौजूद तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करते हुए मैं चिराग पासवान, जो यहाँ पर प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आया है, मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूँ। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा सर, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा, अब बिहार वहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे, सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। और बहुत अच्छा होगा, अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी, यही हम लोगों को कहना है। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं सब लोग के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा के जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।
और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम है। साथियों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी के रूप में उनकी कार्यक्षमता, उनकी कार्यकुशलता, दूरदर्शिता, प्रामाणिकता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और केवल मैंने ही नहीं देखा है बल्कि समस्त देशवासियों ने इसे देखा है। हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि एनडीए की सरकार ने 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की जो सेवा की है उसकी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ